नमस्कार छात्रों, तो क्या हाल है? ठीक है। आज मैं लेकर आया हूं रेशियो का एक शानदार टाइप जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और बच्चों को बनाने में बड़ा ही दिक्कत होता है, लेकिन आज के बाद ये दिक्कत खत्म होने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो बर्तन ए और बी में दूध और जल का अनुपात क्रमशः 4:3 तथा 2:3 है। तदनुसार दोनों द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए बर्तन सी में मिश्रण में दूध और जल आधा आधा हो जाए। कहा गया दो गो बर्तन है। कै गो बर्तन है? दो गो बर्तन है ए, एक का नाम है बी। दोनों बर्तन में दूध और जल है। दोनों बर्तन में क्या क्या है भाई? दूध और जल है। ए में भी मिल्क और वाटर है और बी में भी मिल्क और वाटर है। फिर आगे लिखा गया है, कहा गया है कि उन दोनों द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए बर्तन सी में जल और दूध आधा आधा हो जाए। ये ए और बी दोनों बर्तन में जो जल और दूध के मिश्रण है, ये दोनों बर्तन को उठा करके एक तीसरा बर्तन में इस तरह से डालना है कि उसमें जल और दूध आधा आधा हो जाए। इस दोनों बर्तन को उठा करके तीसरा बर्तन में इस तरह से डाल देना है कि जल और दूध क्या हो जाए? आधा आधा हो जाए। तो कैसे बनाना है, थोड़ा ध्यान लगाना, गौर फरमाना। पहला बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है कितना? पहला बर्तन में रेशियो दिया है 4:3 और दूसरा में दिया गया है 2:3। और दोनों को, ये ए और बी को, उठा करके तीसरा बर्तन सी में डालना है। और सी में ऐसे डालना है कि सी में जो मिश्रण बने उसमें मिल्क और वाटर आधा आधा हो जाए। मिल्क और वाटर आधा आधा हो जाए। आधा आधा होने का मतलब बराबर बराबर हो जाए, और बराबर बराबर होने का मतलब 1:1 में हो जाए। बराबर बराबर होने का मतलब क्या हो जाए भाई? 1:1 में हो जाए। जो नया बर्तन आए उस नया बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए, आधा आधा हो जाए। आधा आधा मतलब क्या? बराबर बराबर। बराबर और क्या लिख सकते हैं हम? 1:1। तो देखो, आपको भी समझ में आ रहा होगा, यहां ए के बारे में कह रहा है, यहां बी के बारे में कह रहा है, और दोनों को कैसे मिलाएं कि नया बर्तन सी में 1:1 हो जाए। तो जब भी इस तरह का बात हो, हम एलिगेशन का रूल लगाते हैं। एलिगेशन का रूल हर उस जगह पे लगता है जहां ए के बारे में कोई बात कही जाए, बी के बारे में कोई बात कही जाए, और एक ऐसी बात कही जाए जो दोनों के बारे में हो। तो इस प्रश्न में भी एलिगेशन का रूल लगेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एलिगेशन लगाएं कैसे। या तो मिल्क को लेकर के लगाना होगा, या तो वाटर को लेकर लगाना होगा। तो सब जगह हम सोच लेते हैं कि मिल्क है कितना। देखेंगे आप लोग, तो मिल्क यहां निकलेगा 4 भाग। टोटल कितना में? 4 3 7 में। यहां मिल्क है 2 भाग। टोटल कितना में? 2 3 5 में। और यहां मिल्क बताइए कितना? मिल्क है 1 भाग। टोटल कितना में? 1 1 2 में। किसी चीज का भाग निकालना होता है कैसे निकालते हैं? अपने पक्ष में बटा में टोटल। मान लीजिए आप गर्लफ्रेंड के साथ गए पिज्जा खाने, और पिज्जा 4 टुकड़ा वाला पिज्जा है, और 4 गो में 3 गो हुए खा गई अकेले, तो कितना भाग खाई बताइए? तो कहिएगा सर जी 3 भाग खाई, टोटल 3 1 4 में, तो उसका कहलाएगा 3/4 भाग। उसी तरह से यहां मिल्क कितना भाग? तो मिल्क है 4 भाग। टोटल कितना में? 4 3 7 में। यहां मिल्क है 2 भाग। टोटल कितना में? 2 3 5 में। इस मिश्रण में मिल्क कितना? मिश्रण है, मिल्क है 1 भाग। टोटल कितना में? 1 1 2 में। अब एगो काम क्या करना है हमें कि यहां पर 7 है, यहां पर 5 है, और यहां पे 2 है। तो 7 5 2 का लघुतम ले लेना है 70, और सब जगह 70 से गुणा कर देना है। सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे वाला को साफ करना जरूरी है। अब 7 से 70 कटाइए 10 बार में कटा, 5 से 70 14 बार में कटा, और 2 से 70 35 बार में कटा। तो यहां मिल्क हो गया 40, और यहां हो गया 28, और यहां हो गया 35। तो बस पहला वाला मिल्क 40, दूसरा वाला में 28, और नया जो मिश्रण बनेगा उसमें मिल्क कितना? 35। ऐसे क्रॉस करना है, यहां ए की बात, यहां बी का बात, और यहां पर सी की बात, अर्थात दोनों का कॉमन बात, यहां लिख देना है। 28 में से 35 घटाएंगे 7 हो जाएगा, और 40 में से 35 घटाएंगे 5 हो जाएगा। बस आ गया रेशियो, इसी रेशियो में मिलाना है, 7:5 में मिलाना है। समझ में आया? ठीक है ना? है ना आसान? एक दो क्वेश्चन और लेंगे तो और बढ़िया से स्पष्ट हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पे आते हैं और ध्यान लगाते हैं। अगला प्रश्न है, दो मिश्र धातु तांबे तथा टीन से बने हैं। दो मिश्र धातु हैं, दोनों कैसे बने हैं
तांबे तथा टीन से बने हैं। पहला मिश्र धातु में तांबा और टीन का रेशियो 1:3 है। पहला मिश्र धातु है जिसमें तांबा और टीन, पहला मिश्र धातु है जिसमें तांबा और टीन का रेशियो 1:3 है, और दूसरा मिश्र धातु है जिसमें 2:5 है। दूसरा मिश्र धातु में तांबा और टीन का रेशियो 2:5 है। फिर क्वेश्चन में आगे कहा गया है उन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं ताकि नया मिश्र धातु में टीन तथा तांबा का रेशियो 8:3 हो जाए। कहा गया जो नया मिश्र धातु बने उसमें टीन और तांबा का रेशियो क्या हो जाए भाई, 8:3 हो जाए, 8:3 हो जाए। कैसे बनाएं, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग कैसे बनाना है। पहला मिश्र धातु में तांबा निकाल लीजिए, दूसरा में भी तांबा निकाल लीजिए, और मिश्रण में भी तांबा निकाल लीजिए। तीनों जगह में तांबा निकालना होगा तभी एलिगेशन लगेगा। तो आप यहां बताएंगे तांबा कितना होगा, 1/3 = 3 = 4 में। यहां तांबा कितना भाग, 2/टोटल कितना में, 5 × 2 = 7 में। और यहां तांबा बताएंगे कितना भाग होगा, कहेगा सर जी तांबा 3 भाग होगा, टोटल कितना में, 8×3 = 11 में। यह एक चीज का ध्यान देना था कि टीन और तांबा, इस बार पहले टीन लिखा है बाद में तांबा, इसीलिए मैंने पहले टीन लिखा है बाद में तांबा, 8:3। तांबा कितना हो गया, 3/11। अब एलिगेशन लगा सकते हैं, यहाँ 1/4, यहाँ 2/7, यहाँ 3/11। तो सबसे पहले नीचे वाला साफ करेंगे, तो 4, 7 और 11 का लघुतम आप निकालेंगे, तो मान लीजिए लघुतम नहीं निकला तो 4×7×11 कर दीजिए, लघुतम निकालेंगे तो गुणा होगा क्योंकि कुछ कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो 4×7×11 कर दीजिए। अब देखिए 4, 4 कैंसिल, यहाँ 77 हो गया, यहाँ 7, 7 कैंसिल, 4×2 = 8, 11 88 हो गया, और यहाँ 11, 11 कैंसिल, 4, 7 = 28, 3 = 84 हो गया, 4×3 = 28, 3 = 84 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे यहाँ यहाँ। ए में कितना है भाई तांबा, 77। बी में तांबा कितना है, 88। अब बनाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसमें तांबा कितना है, 84। तो यहाँ लिख देंगे 84, ठीक है। अब क्या करेंगे, 88 में 84 को घटा देंगे 4, 77 में 84 को घटा देंगे 7। तो हमारा उत्तर आ चुका है 4:7, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि एकदम आपको समझ में आया होगा, आया है ना, 4:7 बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस पैटर्न पे थोड़ा अलग लेंगे इस बार, तो ऐसा नहीं कि यहीं पे रुक के जाना, आगे मत देखना, आगे वाला क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट मिलेगा तुमको। तो 4:7 आया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, आ जाओ और ध्यान लगाओ। अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाले के पास 2 कंटेनर है, एक दूध वाला आदमी है, उसके पास दूध के 2 गो बर्तन है, दूध के कई गो बर्तन है, 2 गो। एक दूध वाले के पास 2 कंटेनर है, पहले में 25% जल और शेष दूध है, दूसरे कंटेनर में 50% जल और 50% दूध है, प्रत्येक कंटेनर से वो कितना दूध मिलाए कि पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो जाए। एक दूध वाले के पास 2 कंटेनर है, पहला और दूसरा, एक दूध वाला है, 2 गो कंटेनर रखा है, पहले कंटेनर में 25% जल और शेष दूध है, पहले कंटेनर में वाटर है 25% और शेष दूध है, दूसरे कंटेनर में 50% वाटर है, दूसरे कंटेनर में 50% वाटर है और शेष दूध है, ठीक है। कहा गया प्रत्येक कंटेनर से वो कितना दूध मिलाएं कि पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो जाए। ये दोनों को कैसे मिलाएं कि पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो जाए, यानी वाटर से मिल्क का रेशियो 3:5 हो जाए। देखो क्या लिखा है, साफ सुथरा बात लिखा है, पानी से दूध का अनुपात, पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो जाए। दोनों को कैसे मिलाए कि पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो जाए। आप देखेंगे यहां वाटर 25%, यहां वाटर 50%, दोनों को कैसे मिलाए कि पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो जाए। तो हमें तीनों जगह या तो पानी निकालना होगा या तो तीनों जगह दूध निकालना होगा। पानी निकालना बड़ा आसान है, यहां भी वाटर, यहां भी वाटर, तो यहां भी वाटर, तीनों जगह आइए हम लोग पानी निकालते हैं। तो यहां पानी कितना है भाई मेरे, 25%, 25% को हम भिन्न में अगर लिखेंगे तो 1/4 होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट 1/4 लिखो ना, तुम तो तेज हो, यहां पानी 1/4 हो जाएगा, यहां पानी 1/2 होगा, 50% यानी 1/2। यहां पानी बताओ, क्योंकि यहां पानी तो 3 है, टोटल कितना में, 5×3 = 8 में। अब नीचे वाला साफ करने के बारी आई, 4×2 = 8 का लघुतम 8 हो जाएगा, सब जगह 8 से गुणा करेंगे। नीचे वाला तो भाई साफ करना ही पड़ेगा ना, 8×8 कैंसिल, 4×2 = 8 और 2×4 = 8। तो यहां वाटर 2, यहां वाटर 4। अब मिलने के बाद जो नया मिश्रण बना उसमें वाटर कितना, 3। तो 4 में से 3 गया 1, 2 में से 3 गया 1, 1:1 में मिलाएंगे, यानी बराबर बराबर मिलाएंगे।
लेकिन क्वेश्चन ने पूछा वो कितना दूध मिलाए, प्रत्येक में से कितना लें, एक अनुपात एक यानी बराबर 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 किस ऑप्शन में देखो तो यहाँ चार आठ है, यहाँ सात पांच है, यहाँ पांच सात, ये नहीं होगा। छे और छे को हम लोग एक अनुपात एक में लिख सकते हैं, छे कटाएंगे तो एक एक आ जाएगा, तो बराबर बराबर लेना है, इसलिए ऑप्शन ए हो गया, छह लीटर और छह लीटर। ठीक है, कुछ लड़का सोच रहा है एक ऑप्शन में सात सात दे देता, तब ऐसा नहीं करेगा, क्वेश्चन पूछने वाला उतना बुड़बक थोड़े है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो है, वीडियो का खैसियत क्या है, एक बार समझ में नहीं आए तो दो बार देख लेंगे, तीन बार देख लेंगे, नहीं तो देख सकते हैं आप लोग। और इस तरह के क्वेश्चन आपने बनाना सीख लिया, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आया था। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो हमसे संपूर्ण मैथ पढ़ सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाएं, गोस्वामी मैथमेटिक्स अपलोड करें और संपूर्ण मैथ का वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा 699 रुपया में। अभी पर्व त्यौहार चल रहा है तो हो सकता है कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए, तो जरूर जाइए अपलोड कीजिए।